हेलो। कृतिका एंड प्रफुल्ल सिंगल आवाज आ रही है बेटा? यस जस्ट वेट, 1 मिनट जरा आप वेट करिएगा थोड़ा। ट्यूटोरियल डिस्कस करना है। हमने कितने क्वेश्चन करा दिए थे आपको ड्यूट के? ठीक सर 8 तक करा दिए थे। अच्छा, 8 तक हो गया है। अच्छा, 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ, जरा वेट करिए 1 मिनट। तो आज इसको हम लोग फिनिश कर देंगे क्योंकि हम लोग का लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। क्लियर? तो इसको आज हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। वेट करिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा आप लोग अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस बुक्स के और ये सब करिए, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें बहुत है, EMFT में, ये 99 वेव प्रोपगेशन में। तो जितने न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे उतना ही आपको आइडिया लगेगी क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा जो बोल रहा हूं मैं? यस सर। ये कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए करने की, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जितना आप लोग करेंगे इतना एफर्ट न्यूमेरिकल में डालेंगे उतना ही आपके लिए ये यूनिट भी अच्छी मतलब समझ में आएगी और उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा हर चीज। ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर में मेनली इस यूनिट से न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी जैसे दो थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स तो आती ही हैं पेपर में, थ्योरम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब आपको दिक्कत होगी। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, केवल थियरी पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं, डेरिवेशन पार्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं, वहां पे वो मार खाते हैं। तो मैं यही कहूंगा थोड़ा न्यूमेरिकल भी आप लोग को ध्यान देना है, जितना अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही आपकी जो है समझ लीजिए ओवरऑल जो आपका इम्प्रूवमेंट है सब्जेक्ट में वो अच्छा रहेगा, कोशिश अच्छी रहेगी, ठीक है? तो बस अभी फाइल शेयर होने वाली है, मैं बस एक्चुअली थोड़ा सिस्टम का इशू है मेरे में, इसमें 1 मिनट और लगेगा। ठीक है, अभी फाइल हमारे पास अवेलेबल आ गई, आ गई फाइल, और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक सारे बच्चे ज्यादातर ज्वाइन कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। जस्ट वेट, मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? वॉइस का इश्यू तो नहीं कहीं? वॉइस का इश्यू तो नहीं है बेटा किसी को? नो सर। ठीक है, तो ये अभी मैंने शेयर किया है फाइल, देखिए दिख रहा है सभी को, विजिबल है सभी को? ट्यूट शीट दिख रही होगी, ट्यूट 1 दिख रहा है सभी को बेटा? तो 8th क्वेश्चन तक आप लोग का हो गया है ना, जैसा कि आप बता रहे हैं, आई हैव डिस्कस्ड अप टू 8th क्वेश्चन, ठीक है?
मैंने मेथड आपको बता दिया होगा कैसे कैसे क्या है। अब आपको लेटर ऑन जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं आज आपको डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद इसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको डेल ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस करा देता हूँ, देन वी कम टू द लाइन इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस आपके डिफरेंशियल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल है, दैट इज नाइन्थ एंड टेंथ, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो कोई वैसी चीज नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको भी करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसके क्वेश्चन पे हम फोकस कर लेते हैं। डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो कुछ तो आपके दो क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे ये देख सकते हैं आप 16th और 17th। तो इसको तो मैंने आपको वैसे ही करा दिया क्लास में ही, दिख रहा है सभी को 16th एंड 17th? बताइए क्लास 16th और 17th क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव इट। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही व्हाट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव इट। तो इस तरह से दो ये थ्योरम्स हैं जो कि फर्स्ट यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों में से कोई भी एग्जाम में एक ना एक आपसे जरूर पूछा जाएगा, इधर स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक ना एक थ्योरम पूछी ही जाती है पेपर में इस यूनिट से, ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद डेरिवेशन, क्लियर। उसके बाद लाप्लासियन ऑपरेटर पे क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लासियन ऑफ स्केलर इन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये मैं आज आपको कराया ही हूँ, ये लाप्लासियन फाइंड कराया था मैंने सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एक टीयू के आए हुए क्वेश्चन है ज्यादातर, ठीक है। तो आपको ये मेथड हमने बताया था कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यूज कैसे निकालते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। तो 17 और 16 आपका हो जाएगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर, मैं डाउनवर्ड से ही स्टार्ट करता हूँ। तो 15th क्वेश्चन देखिए, गिवन ए वेक्टर फंक्शन आपको दिया है, इसमें कैलकुलेट करना है C1, C2, C3 एंड C4 इफ A इज इररोटेशनल एंड सोलेनोइडल। ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर इररोटेशनल एंड सोलेनोइडल। Are you getting my point? Can anybody will tell me that what is the condition for irrotational field and solenoidal field? Batayega koi? Kya maine condition bataya tha? Sir, del cross A is equal to zero for irrotational. Del cross A is equal to zero for what? Irrotational or solenoidal? Sir, irrotational. Acha, to bhai isko jara solve karo. इसका जरा हमको आंसर बताइए आप लोग, मैं आप लोग से एफर्ट चाहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा इसको सॉल्व करिए। कंडीशन हमने आपको बताई है इररोटेशनल और सोलेनोइडल की, तो जरा इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। आई जस्ट आस्क द आंसर विथ यू ऑल, ये एबकेटिव का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको C1, C2, C3 जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी, तो आप कंडीशन जब लगाएंगे तो उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जरा बताइए आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करिए सभी लोग फटाफट। फिफ्टींथ बेटा दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? इज देयर एनी डिफिकल्टी इन द सॉल्यूशन पार्ट? देखिए इररोटेशनल की कंडीशन जो होती है वो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो होती है ना, यही तो होती है। अगर एक हमारा ए वेक्टर इररोटेशनल है उसके लिए कंडीशन क्या है, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। सो फॉर इररोटेशनल फील्ड
rotational field, the condition is del cross A is equal to zero. Clear? तो सिंपली आपको डेल क्रॉस ए निकालना है, इसको जीरो के बराबर रखना है. डेल आपको पता है डेल ऑपरेटर होता है. अब आपको देखना है जो ए आपको दिया हुआ वेक्टर वो किस कोऑर्डिनेट में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप डेल को रखेंगे. ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल में है तो सिलेंड्रिकल में डेल रखा जाएगा, स्फेरिकल में तो स्फेरिकल में रखा जाएगा, कार्टेशियन में है तो कार्टेशियन फॉर्म में रखा जाएगा. क्लियर? तो अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन आपका जो गिवन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है. मीन्स ए की वैल्यू जो है वो आपको सिंपली 3x प्लस C1z ax कैप प्लस C2x. एक बार देख लीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो बता दीजिएगा मेरे लिखने में. 5z ay कैप प्लस 4x माइनस C3 y प्लस C4z और बाहर az कैप. यही है एक्सप्रेशन, बताइए. आप देख सकते हैं xyz के फॉर्म में गिवन है. तो सिंपली आपको कंडीशन क्या लगानी है, ये वाली लगानी है पहले ही रोटेशनल फील्ड के लिए, मीन्स डेल क्रॉस इज इक्वल टू जीरो. नाउ डेल ऑपरेटर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में ही तो गिवन है. डेल ऑपरेटर क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कौन बताएगा? डेल वाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल वाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल वाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप. यही तो होता है कृतिका? यस सर. तो बस अब कुछ नहीं करना है इसमें, डेल क्रॉस ए निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में रखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है. तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ए मतलब यहाँ ए एक्स कैप, यहाँ ए वाई कैप, यहाँ ए जेड कैप. ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई और यहाँ डेल वाई डेल जेड. ठीक, और यहाँ पे ए एक्स का कंपोनेंट ये है, ए वाई का कंपोनेंट ये है, ए जेड का कंपोनेंट ये है. तो ए एक्स का कंपोनेंट आपका क्या है, 3x प्लस C1z. ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या है, C2x माइनस 5z. और थर्ड वाले का कंपोनेंट क्या है, 4x माइनस C3y प्लस C4z. तो आप सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, बताइए. और इसको क्या करना है, ये जीरो के बराबर पुट कर देना है. तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे एज पर दिस कंडीशन, तो आप देखेंगे कि आपको ये रिलेशंस मिलेंगे. ठीक है, तो उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा. कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर करके रिजल्ट निकालना होगा आपको. क्योंकि कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो ये ए एक्स कैप और ब्रेकेट में आ जाएगा डेल वाई इंटू दिस कंपोनेंट. तो इसका डेल वाई कितना आएगा, केवल वाई वाले का ही होगा और एक्स और जेड जीरो हो जाएंगे, तो केवल माइनस सी थ्री बचेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनस सी थ्री और डेल वाई डेल जेड इंटू दिस करेंगे तो माइनस फाइव, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा. ये आपको मिल जाएगा प्लस फाइव. समझ में आ रहा है ये? ये ए एक्स हो गया माइनस ए वाई. ए वाई को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल वाई डेल एक्स ऑफ दिस कंपोनेंट, लास्ट वाला कंपोनेंट ये वाला. तो एक्स का ही केवल होगा तो फोर आ जाएगा. ठीक, माइनस डेल वाई डेल जेड ऑफ दिस कंपोनेंट तो सी वन आ जाएगा, तो माइनस सी वन आ गया. ठीक है, उसके बाद प्लस एजेड, एजेड में लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एजेड में ये सब कंपोनेंट तो डेल वाई डेल एक्स ऑफ दिस तो सी टू एक्स, यहाँ सी टू आ जाएगा माइनस, और डेल वाई डेल वाई ऑफ दिस, ये वाई का कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा. तो दिस सी टू माइनस जीरो. अब आपको करना क्या है, इसको कंपेयर करना होगा राइट साइड से. तो राइट साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो डॉट ए एक्स कैप प्लस जीरो डॉट ए वाई कैप प्लस जीरो डॉट ए जेड कैप. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो,
इस तरह लिख सकते हैं ना इस जीरो को, जैसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि कंपैरिजन के लिए जस्ट मैंने लिखा है, तो अब ax को ax वाले कंपोनेंट से कंपेयर कर लीजिए, वो ay को ay से, az को az से। तो ax का कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो माइनस सी थ्री प्लस फाइव है, तो क्या एग्जैक्टली फाइव माइनस सी थ्री आपका जीरो के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स आपका सी थ्री जो है माइनस फाइव के बराबर, सॉरी सी थ्री आपका प्लस फाइव के बराबर आ जाएगा। ये देखिए सी थ्री निकल आया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड वाले को कंपेयर करेंगे तो यहाँ माइनस है, ध्यान रखिएगा माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये सी वन माइनस फोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सी वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इट मीन्स सी वन इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। ये देखिए सेकेंड कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली थर्ड की हम बात करें तो सी टू माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब सी टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बताइए सही है ये, यही आंसर आएगा। हेलो बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर यही आ रहा है। सभी का यही आ रहा है, एक बार मैच कर लीजिए, एक बार सभी लोग अपने अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, ऐसा ही आंसर आएगा ना, कुछ और आएगा। देखिए सी टू जीरो हो गया, सी वन आपका आ गया फोर, सी थ्री आ गया फाइव। अभी भी एक चीज हमारी नहीं निकली है, वो क्या नहीं निकली है? सी फोर नहीं निकली है। सी फोर कैसे निकालेंगे? सी फोर कैसे निकलेगा? अभी एक कंडीशन और भी तो आपको देखनी है इसमें, कौन सी? सोलेनोइडल की। सोलेनोइडल की निकालेंगे तो शायद वो वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये तो अभी इरोटेशनल के लिए हम लोगों ने कंडीशन सॉल्व की है ना, सोलेनोइडल के लिए भी तो पूछा है। सोलेनोइडल की कंडीशन क्या होती है? सोलेनोइडल कंडीशन क्या होती है? डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यही तो कंडीशन होती है सोलेनोइडल की, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। बताइए क्यों बेटा? यही कंडीशन होती है ना, तो ठीक इसको भी लगा दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ठीक है ना। तो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर आपका 15 है ना। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, एक मिनट। तो नाउ कंडीशन फॉर व्हाट? सोलेनोइडल। क्या होती है? डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये डेल डॉट ए है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अब ए आपको पता है, डेल आपको क्या हो जाएगा? डेल आपका सिंपली डेल बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप, प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक। और डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? ए के साथ। ए क्या है? ए वेक्टर क्या है आपका, बताइए? ए वेक्टर क्या है? 3x प्लस सी वन जेड ए एक्स का, ठीक। बल्कि एक बड़े ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, प्लस सी टू एक्स माइनस फाइव जेड इंटू ए वाई का, प्लस फोर एक्स माइनस सी थ्री वाई प्लस सी फोर जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक। ये है डॉट प्रोडक्ट निकालिए, उसको किसके बराबर कर दीजिए? जीरो के बराबर कर दीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स का एक्स के साथ करेंगे, जो यूनिट वेक्टर ए एक्स एक्स है तो वन हो जाएंगे। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस कंपोनेंट व्हाट विल यू रिजल्ट, क्या जाएगा? केवल थ्री बचेगा, ठीक है ना। फर सेकेंड वाले को देखिए, डेल बाई डेल वाई इंटू
दिस, तो इसमें वाई का कंपोनेंट ही नहीं है, वाई वाले ये जीरो दे देगा आपको, ठीक है। थर्ड वाले कंपोनेंट में देखेंगे, डेल वाई डेल जेड वाले में, तो यहाँ पे देखिए केवल सी फोर ही तो है डेल जेड में, बताइए सी फोर ही है ना, तो यहाँ सी फोर कितना मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा, तो सी फोर आपका यहाँ से निकल के आ गया थ्री, तो सी वन सी टू सी थ्री आपको पहली वाली कंडीशन से मिल गया था। आर यू गेटिंग, समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन? हेलो सर, थ्री में माइनस नहीं होगा? हाँ माइनस होगा, सॉरी दिस विल बी माइनस, क्योंकि उधर जा रहा है ना, माइनस थ्री होगा, ठीक है। ऑन माइनस थ्री अभी सही आ गया, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन इजी था। देखिए जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, उसी को आप प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने आपको जो जो पढ़ाया है प्रॉपर, जैसे हमने नोट्स वगैरह आपने बना लिए होंगे, हमने कुछ भेजे हैं जो भी है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। वो आप फॉलो करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ एक दो इधर उधर घूमेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बाकी मोस्टली न्यूमेरिकल इजी ही होंगे, ठीक है। लेकिन बसरते आपको जो है ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि हमको सारे जो आपके बेसिक टर्म्स हैं वो आने चाहिए। बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आएंगी तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, जो मैं फैक्ट है वो बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले सारी चीजें आपको पढ़ा दी कि अब आपको कोरिलेट करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप ये कहेंगे कि सर ये तो हुआ ही नहीं, कहीं कोई कंडीशंस नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस करने में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको लग भी रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत लग रही है अभी तक बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही क्वेश्चंस में? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आई थिंक कोई ऐसा दिक्कत हो रही होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड आउट द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो बहुत सिंपल है, दो क्वेश्चंस ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं 14 में, उसको कर्ल निकालना है। कर्ल आप सिंपली, आपको पता है वही मैट्रिक्स फॉर्म डिटरमिनेंट फॉर्म बना के ही आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक वेक्टर ए दिया, एक वेक्टर बी दिया है, जो ए वेक्टर है वो सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये बहुत सिंपली निकल जाएगा आपका। कोई दिक्कत है किसी को निकालने में बताइए? और जो वेक्टर v है वो आपका रो फाई जेड फॉर्म में, मीन सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के आपके कंपोनेंट वो है डेल ऑपरेटर वाली वैल्यू, वो आपको लगानी होगी, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस वन बाई रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ये वाला कंडीशन लगाना होगा, ठीक है ना। उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इस v वेक्टर के साथ, बताइए इसको बता दें हम या फिर कर लेंगे, जैसा आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। हेलो आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। ये बताइए हो जाएगा या फिर मैं बता दूं? जो आप बताएंगे मैं वही करूंगा, बताइए क्या करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, क्योंकि जो ये है इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको, और एक मिनट रुकिए मैं कोशिश करता हूँ आपको, वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस, एक मिनट जरा वेट करिएगा।
मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगी, जस्ट वेट। सवाल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, यही क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है सभी को। फाइंड आउट द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो यहाँ आपको मेरे ख्याल से डाइवर्जेंस हमने नहीं पूछा है, केवल कर्ल पूछा है आपसे। दिख रहा है सभी को, बताइए, यही है ना क्वेश्चन आपका? हेलो, पहला पार्ट यही है ना आपका। देखिए 2xy ax cap plus x square z ay cap plus z cube az cap, यही है, दिख रहा है सभी को? Yes sir। देखिए डाइवर्जेंस इसमें, इस क्वेश्चन में तो डाइवर्जेंस भी पूछा गया था, तो डाइवर्जेंस तो आप निकाल ही लेंगे, सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। फिलहाल हमने जो क्वेश्चन में आपसे केवल कर्ल पूछा है, तो कर्ल निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये कर्ल ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना, तो डेल क्रॉस ए हो जाएगा, और डेल आपको इसकी जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी, ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप, यहाँ डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है ना। अब आपको कंपेयर कर लेना है कि ए एक्स ए वाई ए जेड हमारा क्या है, तो आप ए एक्स ए वाई ए जेड यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। इसमें देखिए इस वेक्टर में ए एक्स का कंपोनेंट कौन सा होगा, 2xy होगा, ए वाई का कंपोनेंट एक्स स्क्वायर जेड होगा, ए जेड का कंपोनेंट जेड क्यूब होगा। ये तीनों चीजें हम रख देंगे यहाँ पे, ये देखिए कहाँ गया पीछे, ये देखिए हमने तीनों कंपोनेंट यहाँ पे रख दिया, तो ये देखिए यहाँ 2xy एक्स स्क्वायर जेड और जेड क्यूब, इज इट क्लियर, दिख रहा है सभी को, बताइए एक्स ए वाई जेड के तीनों कंपोनेंट रख दिए जो क्वेश्चंस में गिवन थे, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, वही जैसे हम लोग करते हैं, ए एक्स पहला कॉलम में से हमने ए एक्स कॉमन लिया, तो सेकंड वाले जो डेल वाई डेल वाई इंटू जेड क्यूब माइनस डेल वाई डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर जेड, तो ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि मैं थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूं, ये देखिए ये यहाँ हमने कंपोनेंट पहले रख लिया, कंपोनेंट ऊपर से हमने देख लिया था ए एक्स का ए वाई का और ए जेड का, तीनों का कंपोनेंट हमने रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद कंपोनेंट हमारे पास ये आ गया 2xy x स्क्वायर जेड और जेड क्यूब। अब सिंपली हम क्या लेंगे, पहला कॉलम पहला रो, यहाँ से ए एक्स इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए वाई इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये माइनस में रहेगा ध्यान रखिएगा। थर्ड वाले में ए जेड इंटू पहला रो थर्ड कॉलम ए जेड इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इससे हमको क्या है कि ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको, सभी को समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि डेल वाई डेल वाई इंटू जेड क्यूब है, जेड और वाई का कोई कनेक्शन नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। यहां से आपको जो मिलेगा, ये जो आपको देगा वो क्या देगा, एक्स स्क्वायर दे देगा, ये आपको क्या देगा, टू एक्स वाई है यहाँ जेड है, ये जीरो मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे कोई भी जेड का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्स का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका x का कंपोनेंट है तो 2xz आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका 2x आ जाएगा, तो ये चीज आपको मिलेगी, देखिए सॉल्व करने पे, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है सभी को, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? सर समझ में आ रहा है। तो देखिए फिर इससे आपको कुछ नहीं करना, अभी इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो ये आ गया हमारा आंसर, दिस इज योर आंसर, क्लियर, दिस इज योर आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिमिलरली आपको उसके लिए करना है जो दूसरा वाला पार्ट था, उसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको पहले तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखनी है, वेक्टर फंक्शन देख लीजिएगा आपका क्या है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना उसमें, डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखनी है सबसे पहले, ठीक, डेल ऑपरेटर इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है ये आपको पता है, डेल बाय डेल रो इनटू रो कैप प्लस डेल बाय डेल फाई इनटू फाई कैप
प्लस डेल वाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ठीक है। तो एक मिनट में शायद देख लेता हूँ, इफ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल्सो देन आई कैन शेयर यू, जस्ट वेट। Okay, so I can show you the questions on of this solution of this also. I'm trying to share. Just wait. वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इससे आप लोग आंसर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर्स, क्योंकि आंसर कई बार आप अपने आप से करते हैं तो कई बार आंसर्स में कुछ डिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, तो आंसर जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। ये पेज दिख रहा है सभी को, दिस पेज इज विजिबल, ये आपका बी पार्ट है, ठीक है ना, 14th क्वेश्चन का जो बी पार्ट पूछा गया था ना, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको जो सॉल्व करना था, दिस इज योर बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देख सकते हैं ये बी वेक्टर है तो इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कर्ल ऑफ ये निकालना है, वी विल डू डेल क्रॉस वी, और हम ये वाला मैट्रिक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमने बताया था ना आज ही आपको कि वन बाई रो बाहर लेंगे, यहाँ रो और रो से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वन बाई रो यहाँ कॉमन आ गया, ये वाला ही आपको यूज करना है, ठीक है ना, यही आपको यूज करना है। तो इसी को आप बेस मानते हुए अब यहाँ पे देखिए वी रो और इसके सबके कंपोनेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, इस इक्वेशन से आपको, इस वेक्टर एक्सप्रेशन से आपको मिल जाएगा वी रो वी फाई एंड वी जेड। तो वी रो की वैल्यू कितनी है, रो स्क्वायर जेड, वी फाई की वैल्यू कितनी है, रो क्यूब, वी जेड की वैल्यू कितनी है, थ्री रो जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सारी चीजें, अब आपने यही चीज यहाँ पे रख दिया वी रो की जगह पे, वी फाई की जगह पे, वी जेड की जगह पे, ये तीनों चीजें उठा के पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से पुट कर दिया। अब आप देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, अभी क्वेश्चन आपका इजी हो गया है, अब आपको सीधे कर्ल ऑफ ये निकाल लेना है, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को एक तरह से सॉल्व कर लेना है। तो हमने कुछ नहीं किया, पहले वन बाई रो आपका पूरा यूनिवर्सल कॉमन है, तो वन बाई रो हमने पूरा बाहर ही रखा हुआ है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा के आप देख सकते हैं, बाकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमें रो कैप मिल जाएगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ इसका 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 मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर दिस कंपोनेंट आल्सो, ये आपका निकल आएगा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड इट फॉर दिस कंपोनेंट, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हो जाएगा तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है केवल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन सभी को पता है क्या होता है, ये देख सकते हैं आप लोग इसमें, नाउ यू कैन सी ये आपका आ गया। अब इसमें देखिए जो जो आपके रेस्पेक्टिव अगर सेम वेरिएबल है तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अदरवाइज जीरो आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ फाई है, यहाँ कोई फाई का कंपोनेंट नहीं है इस वाले में, ये जीरो आ जाएगा, ये रिजल्ट आपको जीरो देगा, यहाँ रो क्यूब है, यहाँ नीचे जेड है, ये भी जीरो देगा, यहाँ पे रो स्क्वायर जेड है, यहाँ जेड आ रहा है तो ये आपको दे देगा रो स्क्वायर ओनली, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट क्या दे देगा, ये दे देगा थ्री जेड स्क्वायर, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा थ्री रो स्क्वायर, यहाँ पे रिजल्ट कुछ जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस तरह से हमें रिजल्ट आ गए सारे, ये देखिए, और उसके बाद हमने कर्ल ऑफ ही हमारा निकल आया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें, ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम 14th में, आई होप कि समझ में आ गया होगा सभी को,
जाइए बेटा, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं तो आगे बढ़े हम। निकिता जायसवाल हैं? निकिता जायसवाल, ओम पांडे, नित्या पांडे, एनीबडी इज देयर? ज्वाइन करके लोग गायब हो जा रहे हैं, वैसे अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रॉपरली नहीं अटेंड कर रहे हैं तो अटेंडेंस लूज हो जाएगी आपकी, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, ये 14th हो गया, 15th हो गया, ठीक है, 13, 12 और 11, ये डेल ऑपरेटर, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से 11th क्वेश्चन हो जाएगा सभी का, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट आप सभी लोग को निकालना आता है, बताइए। हेलो, क्वेश्चन आप ये कुछ खुद ही करना है आप लोग को, ठीक है ना, इसका हम आंसर से आप लोग को बता देंगे, लेकिन आप लोग खुद ही निकालना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम करा भी चुके हैं। ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट में कुछ नहीं, आपको डेल का डॉट प्रोडक्ट करना है, सिंपली डेल डॉट यू निकालना है या डेल डॉट वी निकालना है सेकंड वाले, ठीक है ना, यू और वी। और ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे ये क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब सॉल्व करने के बाद रिजल्ट निकलेगा तो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है ये रो फाइव जेड के फॉर्म में, तो यहाँ डेल ऑपरेटर आप रखेंगे इसके लिए, सिलेंड्रिकल के लिए, दैट इज डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ठीक। सिमिलरली यू कैन पुट हेयर फॉर ये वी वाले में, देखेंगे वी वाला आपका किस फॉर्म में है, आर थीटा फाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर रखेंगे वो आप क्या रखेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का, दैट इज डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस वन बाई आर डेल बाई डेल फाई, सॉरी हाँ बताइए क्या होता है, डेल थीटा होगा, वन अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा इनटू थीटा क्या है प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई इनटू फाई क्या इनटू फाई क्या, ठीक है ना, ये होता है ना। तो ये तीनों हमारे ऑपरेटर्स हो गए, ये दोनों ऑपरेटर हो गए, इनका ही आपको यहाँ पे यूज करना, पहले वाला ऑपरेटर यहाँ यूज हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के लिए, दूसरा वाला यहाँ, और डॉट प्रोडक्ट ही करना है तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, क्लियर है, कर लेंगे इसको, बताइए कर लेंगे, यस डॉट प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं उन्हीं का होना है, आर का आर से, थीटा का थीटा से, फाई का फाई से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको खुद से करिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड डेल, दिस इज डेल ऑफ स्केलर फंक्शन दिस, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए, पहले तो डाइवर्जेंस निकालना है एंड दिस डेल ऑफ स्केलर फंक्शन दिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे,